कैसी योजना है उन्होंने कि एक बुक खरीद
हमने तो जो फर्स्ट 10 कस्टमर थे उनको 100-100 रुपए की पुस्तकें उपहार मिली, किसी ने खिलौने उपहार मिले, बहुत सारे इनाम मिले। जो योजनाएं थी, जो शॉपकीपर थे, उन्होंने बहुत सारे योजनाएं बनाई हुई थी। तो इन योजनाओं में मिस उपहारों में से कुछ उपहार कुछ इनाम मुझे भी मिले, मिस मैंने भी कुछ इनाम जीते। फिर क्या कह रहा है कि मैंने मेले में बहुत स्वादिष्ट खाना खाया और आइसक्रीम भी खाई। आप भी जब मेला जाते हो तो आइसक्रीम खाते हो ना, और कुछ ना कुछ खाना भी खाते हो। वैसे ही अंकित ने खाना भी खाया और आइसक्रीम भी खाई। फिर अंकित क्या कह रहा है कि जब अगली बार विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में लगेगा तब तुम भी मेला देखना जरूर आना, और हम उस मेले को देखकर बहुत एंजॉय करेंगे और साथ में चलेंगे। मैंने पहली बार ऐसा मेला देखा और मुझे मेला देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर अंकित क्या कह रहा है कि प्रखर से कि मेरी तरफ से चाचा जी और चाची को प्रणाम। तुम्हारा मित्र अंकित। जब पूरा लेकर हमारा कंप्लीट हो जाता है पूरा पत्र, तो हम पत्र में आखिर में लास्ट में क्या लिखते हैं बच्चों? तुम्हारा मित्र अंकित। किसने क्या लिखा है? तुम्हारा मित्र अंकित। मिस ये लेटर किसको लिखा था? प्रखर को। किसने लिखा था? अंकित ने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लेटर कैसे लिखते हैं। जब हम लेटर लिखते हैं तो पहले एड्रेस लिखते हैं, इसको लेटर लिख रहे हैं, फिर उसको उसका नाम लिखते हैं जिसका हम लेटर लिख रहे हैं, फिर सारी बातें बताते हैं जो भी हमको उससे करनी है, और लास्ट में जो लेटर लिखता है उसका नाम लिखते हैं। आई होप आपको लेटर का फॉर्मेट समझ में आया होगा। और इस चैप्टर से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हम अपनी बातें चाहे फोन के माध्यम से करें या लेटर के माध्यम से, है ना, हमें अपनी सारी बातें अपने दोस्तों को कैसे बता सकते हैं, कैसे बताते हैं। मिस हमारी जो बातें हम अभी फोन के माध्यम से बताते हैं, पहले कैसे बताते हैं बच्चों? लेटर के माध्यम से। अभी भी कई कई लोग लेटर लिखते हैं जिनको लेटर लिखने में इंटरेस्ट होता है। आई होप